हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट्स के बारे में, जिसमें 1159 सीटें थी। अब आज हम देखेंगे 20,000 स्टूडेंट्स ने क्या माना है कट ऑफ को लेके, उनका क्या सोचना है उसके बारे में। कट ऑफ क्या हो सकता है, महाराष्ट्र का जो एग्ज़ाम है 3 सेंटर पे, जो कि मुंबई, नागपुर और पुणे के बारे में, उसके बारे में जानेंगे और रिज़ल्ट कब आ सकता है। और कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉमन थे उसको मैंने उठाया है और आपके कमेंट बॉक्स से, और मैं उसको कॉमनली रिप्लाई करूँगा सबको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे सेम थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार आप कंसिडर करके और एक बार रिप्लाई किया जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो स्क्रीनिंग प्रोसेस था। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं जो आगे यूज़ होंगे। तो प्लीज़ देखिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस का 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25, जनरल इंग्लिश का 25 और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन थे, 25 मार्क्स के। तो यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम, जो बच्चे के नंबर बताए जा रहे हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम इसी बीच में आ रहे हैं 90% केस में। इस केस में आपको दिख रहा है 81 आपको मैक्सिमम जा रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी जाएगा किसी केसेस में, लेकिन मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। और जो मिनिमम जा रहा है वो 59 के आसपास रह रहा है, ठीक है। ये चारों कैटेगरी का जो चारों सेक्शंस हैं उनको मैंने कंसिडर किया है। 20, 21 जो मार्क्स हैं उसमें मैक्सिमम स्कोर हुए हैं जो बच्चों के, उसके हिसाब से मैंने कंसिडर करके मैं बता रहा हूँ आपको, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो आपका कट ऑफ होगा इसी बीच रिलाई करेगा। कट ऑफ वो होता है जो कि लोअर मार्क्स होता है, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट सिलेक्शन होता है वहाँ पे, उसके जो सबसे कम मार्क्स पे सिलेक्शन होता है वो होता है कट ऑफ, ठीक है। मैं उसको मैक्सिमम ना मत माना कीजिए कि हाँ मैक्सिमम है कि सर इतना चला जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा ये हो, क्योंकि वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है, यानी मिनिमम सिलेक्शन का पॉइंट होता है वो, ठीक है। उसका देखिए, अगर हम मिनिमम लेते हैं तो 16, 14, 13, ठीक है, चार सेक्शंस में इतने नंबर आते हैं तो आपके 59 बनते हैं, तो यहाँ मिनिमम इतने आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नेवी ट्रेडमेंट्स के बारे में जब आपसे पूछा गया था, तो आपने 20,000 बच्चों ने जो जवाब दिया है उस जवाब को हम देखेंगे कि कट ऑफ कितने से कितने के बीच में रह सकता है, आपका सोच आपका मानना क्या है, क्योंकि आप लोग वहाँ एग्ज़ाम देने गए थे तो आपका भी पोल बहुत ज़रूरी था, तो उसको हमने कंसिडर किया है। तो देखिए, जो 26% बच्चे हैं वो 80 से 90 के बीच में बता रहे हैं कि उनका कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। 41% बच्चे हैं वो 70 से 80 के बीच में जानते हैं कि इतना जा सकता है, वो इतना सोचते हैं। और 24% बच्चे हैं जो वो आपको, तो 24% बच्चे हैं वो 60 से 70 के बीच में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और जो 55 से 60 नंबर के बीच में जो प्रेडिक्शन आ रही है वो 9% की आ रही है, ठीक है। अब उस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 20,000 वोट थी, और ये अब 2 दिन पहले का है, तो ये 5:09 पर लिया गया था, उस टाइम पर आपको रोक दिया गया था वोटिंग को, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको लिया गया था। अब जो हमने कट ऑफ बनाया है इसी चीज़ को कंसिडर करके, और जो डेटा मिला है उस चीज़ को कंसिडर करके एक कट ऑफ डिसाइड किया गया है कि कट ऑफ इतना जा सकता है इंडियन नेवी का। और जो मैंने बता रहा हूँ कट ऑफ वही होगा फाइनल, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा डेटा नहीं है ये, लगभग 20,000 बच्चों का एक तो आपका देखा गया है कि आपका क्या मानना है कट ऑफ को लेके, और साथ ही साथ 4 से 5 हज़ार बच्चों का डेटा है जो कि उनका एग्ज़ाम में कितने नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से, उनका क्या सोचना है उसके हिसाब से। तो बहुत कुछ कंक्लूड करके यहाँ पे डेटा के बाद में आपको कट ऑफ दिया जा रहा है। सो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी का है उसमें 70 से 72 के बीच में कट ऑफ रहेगा। EWS का देखेंगे तो 60 से 62 के बीच में जाने के चांसेस हैं, और OBC का देखेंगे तो 66 to 68 रहने के चांसेस हैं, और अगर SC का देखेंगे तो 60 से 58 रहने के चांसेस हैं, और ST का देखेंगे तो 56 से 57 रहने के चांसेस हैं। ये मैं कैटेगरी वाइज भी आपको इवेलुएट करके बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको अगर ये समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट रहता है कि हाँ मेरे नंबर कम आ रहे हैं, चाहे मेरे होगा या नहीं होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर मैं उसका कोशिश करूँगा डेटा देख के और थोड़ा और एनालिसिस करके, क्या आपकी उम्मीद बन रही है नहीं बन रही है इस बार आपको सिलेक्शन का, तो उसको मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं कि आपका जो वैकेंसीज थी वो टोटल 2016 में आप देखिएगा 384 वैकेंसीज थी, उसके बाद इंक्रीज़ की 2019 में आई 536 वैकेंसी, और अब जो है 1159 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि जब आपकी 384 वैकेंसीज थी उस टाइम पे आपको रिज़ल्ट दिया था 384 + 98 वेटिंग लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है या नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके जो 536 वैकेंसीज थी 2019 में, उसमें दो पार्ट में रिज़ल्ट दिया गया,
पहला लिस्ट आया जिसमें कि 536 बच्चों का रिजल्ट आया उसमें, और आपका सॉरी यहाँ पे जो सीटों की संख्या थी वो 554 या 56 के आसपास थी, और जो रिज़ल्ट आया था वो 536 का आया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हुआ है, 536 का रिज़ल्ट आया था। उसका रिज़ल्ट का एक और लिस्ट जारी हुआ था जिसमें कि लिस्ट 2 आया था और साथ में वेटिंग लिस्ट भी था उसमें। ठीक है, तो यानी वेटिंग लिस्ट भी आपको हर बार दिया जा रहा है, तो बच्चों का पूछना भी था कि सर वेटिंग लिस्ट आता है क्या, तो उसके आपका जवाब है हाँ वेटिंग लिस्ट तो आता है इसमें। अब रिज़ल्ट में सिर्फ रोल नंबर आता है यहाँ पे। ठीक है, रोल नंबर रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट में सिर्फ यहाँ पे रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा, और उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कट ऑफ के बारे में। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, नोट कीजिएगा यहाँ पे, जो कट ऑफ और मार्क्स ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो 45 दिन के बाद दिखाए जाते हैं साइट पे। ठीक है, वो आपके रिज़ल्ट के नीचे वाले सेक्शंस में होते हैं, वहाँ लिखा रहता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा इस चीज़ को। और अब हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है कि नहीं, आपका ये क्वेश्चन था। देखिए वेटिंग लिस्ट अभी देख सकते हैं आप, अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें कि कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया था कि हाँ उनका ये रोल नंबर है, उनको आपको आके रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, वेटिंग लिस्ट तो क्लियर हो जाता है। अब वेटिंग लिस्ट इस बार क्यों ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे बच्चों का बहुत जगह आपका हो जाता है जॉब, जो कि इससे अच्छा होता है तो वो प्रीफर करते हैं वहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए। दूसरी चीज़ में कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर करना पड़ता है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि DV हुआ, उस टाइम पे बच्चों ने DV कर लिया लेकिन ज्वाइनिंग करने ही नहीं गए, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर भी भेजा गया और ज्वाइनिंग करने ही नहीं गए, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वो सीट तो वैकेंट हो जाती है, तो आपका एक डेडलाइन होता है। डेडलाइन के बाद आप जो वेटिंग लिस्ट होता है उसके लिए इशू किया जाता है कोमरेंडम। ठीक है, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या कि जो लास्ट टाइम रिज़ल्ट आया था उसके बाद, देखिए हर चीज़ प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। तो देखिए रिज़ल्ट था ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 का जो रिज़ल्ट था, 2017 में जो रिज़ल्ट आया था उसका है, उसमें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट देखा 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक आपका जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका रोल नंबर दिया गया है, साथ में कैटेगरी दी गई है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कैटेगरी दी गई है, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था। ठीक है, इसमें तो उसके बाद आपको देखिए कितने बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन है, वहाँ 384 सीटें थी वहाँ पे। तो अब देखिए सिलेक्शंस, देखिए आप स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे और आप देख पाएंगे, देखिए 384 सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है टोटल कैंडिडेट का, यानी उनको जितने कैंडिडेट चाहिए थे उतने कैंडिडेट मिल गए हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो जारी की गई है यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा गया है, ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, जो कि 2017 में जो जारी की थी वेटिंग लिस्ट वो प्रोविजनल है और ये मेरिट के हिसाब से रखी गई है। अगर आपका वहाँ पे क्लियरेंस होता है UR से तो UR का यहाँ पे पहला वेटिंग लिस्ट उठाया जाएगा, सेकंड उठाया जाएगा, उस कंडीशन में आपको ये रखी गई है वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा बोला गया है कि रिपोर्टिंग टाइम आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, थ्रू मेल आपको मिल जाएगा अगर आपको फ्यूचर में आपको सेलेक्ट किया जाता है तो। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो जारी की गई थी वो थी 98, टोटल 98 वेटिंग लिस्ट थी। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ आप देखेंगे कि एक चीज़ और यहाँ पे कंसीडर करने वाली है, यहाँ पे नोट 2 में क्या लिखा गया है, रैंकिंग एंड स्कोर ऑफ ऑल कैंडिडेट कट ऑफ मार्क एक्सेट्रा विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट indiannavy.nic.in पे विद इन 45 डेज, 45 डेज के अंदर में अपलोड किया जाता है। तो अगर आपको ये बोला जाए कि नहीं पता चलता है मार्क्स तो ये गलत है, वो अपलोड कर दिया जाता है 45 डेज के अंदर। अब हम देखेंगे 2017 का ये रिज़ल्ट, सॉरी 2019 का रिज़ल्ट है। तो 2019 में क्या था कि उसमें 556 के आसपास सीटें थी, लेकिन 56 या 54 जो भी थी, मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, माइंड से थोड़ा स्लिप कर रहा है, उसमें से आपको जो लिया गया थोड़े से कम बच्चे 534 या 36 के आसपास। देखिए रिज़ल्ट फाइनल यहाँ पे दिखाई देगा आपको, एक वेट अ मिनट, यहाँ देखिए 536 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इस बार इसके बाद क्या हो गया, लिस्ट 2 भी जारी किया गया था उस कंडीशन में जिसमें कि आपका वेटिंग लिस्ट प्लस जो बच्चे बचे हुए थे उनको जारी किया गया था वहाँ पे, समझ गए आप। तो इस कंडीशन में भी वेटिंग लिस्ट वहाँ पे आया था। तो आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया वेटिंग लिस्ट को लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने ये भी बता दिया 45 डेज़ के अंदर भी वो अपलोड करते हैं कट ऑफ मार्क्स, आपके मार्क्स और जो भी आपका नंबर कट ऑफ आया था वो सब कुछ पता चल जाता है। ये 45 डेज़ का थोड़ा टाइमिंग होता है, उस कंडीशन में बहुत सारा इवेल्युएशन होता है, उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है, उसके बाद उस चीज़ को निकाला जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें एक और चीज़,
मुंबई और जो मुंबई पुणे और नागपुर का एग्ज़ाम डेट, इन तीनों जगहों का एग्ज़ाम डेट बार बार बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है, देखिए हमेशा अच्छे न्यूज़पेपर को पढ़ा कीजिए जिससे कि आपको एग्जैक्ट न्यूज़ पता चले। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये सब जो पेपर्स होते हैं, तीन पेपर होते हैं, ये हमेशा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं विथ आपको हर चीज़ का एक रेलिवेंट टाइम दे देते हैं, जगह दे देते हैं, कहाँ से वो आर्टिकल उठा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्लियर कर देते हैं वो। समझ में आ गई आपको? तो उस कंडीशन में आपको देखिए यहाँ पे जो कोविड के बारे में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 जून तक एक्सटेंड किया गया है, अलाउ किया गया कुछ रिलैक्सेशन। याद रखिए रिलैक्सेशन में कभी भी आपको स्कूल नहीं खोले जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र का जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। उस अभी क्या हो रहा है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम्स उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, अभी तो नॉर्मल बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, इन यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, तो बाकी के एग्ज़ाम तो आप छोड़ ही दीजिए। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र का एग्ज़ाम सबसे लास्ट में होगा, इन द सेंस आपको ये जुलाई तक, लास्ट में जुलाई की तो तीन वीक तक छोड़ ही दीजिए, जुलाई के या तो लास्ट में या तो अगस्त में आपको प्रीफर किया जाएगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि पहले तो स्कूल खुलेगा, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ दिन का समय लेगा कि हाँ सबको आपको अरेंज करना कि कहाँ किसका सेंटर पड़ेगा, क्या है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये अगस्त के लास्ट तक भी चला जाए, क्योंकि इस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से तो अगस्त लग रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि रिज़ल्ट आपका पूछा गया था कि रिज़ल्ट आपका, सर क्वेश्चन आपका था रिज़ल्ट सबका साथ में आएगा क्या। एक बार जान लीजिए कि कमीशन अगर एक है, अगर एग्ज़ाम एक है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिज़ल्ट होता है अलग अलग दिन पब्लिश नहीं होता है, सबका साथ में होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, SSC का एग्ज़ाम होता है फेज़ 8 का, ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या हुआ था, कुछ जगहों पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था इलेक्शन के कारण, वहाँ पर आपका बिहार में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, स्टेट असेंबली इलेक्शन था तो उसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उस कंडीशन में क्या हुआ था, सबका साथ में आंसर की रिलीज़ किया गया था और रिज़ल्ट आया था। तो हर कमीशन ऐसा ही करती है, दोहरा मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, एक बार ही जो मेहनत होगा फाइनल रिज़ल्ट दिया जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्लियर हो गया होगा सारा आपके डाउट्स। अब आगे हम देखते हैं, अगर मानते हैं कि एग्ज़ाम आपके जो जाते हैं वो अगस्त में जाता है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक एक्सपेक्ट किया जाए। तो रिज़ल्ट का एक चीज़ जान लीजिए कि रिज़ल्ट जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो अक्टूबर के आसपास होना चाहिए, अक्टूबर या सितंबर के लास्ट में, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, सितंबर लास्ट या तो अक्टूबर तक, वहाँ तक आपका जा सकता है। और आपका जो DV है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उस कंडीशन में आपका कब तक जाएगा, वो आपका नवंबर या दिसंबर में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये सारे जो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वो इस तरह से होंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि अभी इस टाइम पे एग्ज़ाम कुछ होने वाले नहीं हैं, अभी जून में तो नहीं होंगे, जुलाई में अगर होते हैं वो भी चांस बहुत रेयर है, और ख़ासकर महाराष्ट्र को लेकर तो बहुत ज़्यादा रेयर है, रेयरेस्ट टू रेयर है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो आपका एग्ज़ाम अगस्त में जाएगा। अगस्त में जाने का मतलब है कि आपका रिज़ल्ट जो है आफ्टर विदिन 40 डेज आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो आपका रिज़ल्ट आएगा, उसका DV होगा, तो DV एक्चुअली नवंबर या दिसंबर में जा सकता है। तो ये आपका पूरा मैंने सिनारियो बताया है। अगर आई होप कि सब कुछ सही हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो जाए, अगर नहीं हुआ सही तो फिर तो आप समझ लीजिए सितंबर भी जा सकता है। तो ये जो कंडीशन मैंने बताया, ये आपको विद न्यूज़ बताया है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपके डाउट्स थे रिज़ल्ट को लेके वो भी क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसके मैं देख के मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्या हो सकता है उस डाउट को कैसे, या तो आपको कमेंट के थ्रू मैं क्लियर कर दूँगा, या तो मेल के थ्रू, या तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के मैं क्लियर कर दूँगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ। देखिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।